आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि यदि ए और बी हमें दो आव्यूह दिए गए हैं तो हमें ए बी जो सारणिक बनेगी उसका मान क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यदि हम ए बी लिखा लेंगे, देखिए ए बी कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ से 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और बी है 1 2 3 0 1 3 0 0 2। तो ए गुना बी करने पर दोस्तों देखिए पहली पंक्ति और यहाँ से पहला स्तंभ लिया तो 2 गुना 1 प्लस 0 प्लस 0। अगला आएगा 2 गुना 2 4 प्लस 0 प्लस 0, तो उसे मैं 4 ही लिख दूँ। ठीक है, अगला पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 गुना 3 6 प्लस 0 प्लस 0, तो 6 ही लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 0 0, तो यहाँ से मैं 0 लिखा, 0 प्लस 2 गुना 1 2 2 और प्लस 0। आगे इसी तरह 0 प्लस 6 प्लस 0। अब अगले के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ से 0 आया, इसी तरह आगे भी 0 और इसी तरह यहाँ पे 2 गुना 2 4। तो देखिए दोस्तों ए गुना बी कितना बनेगा, 2 4 6 0 2 6 0 0 4। ठीक है, अब इस सारणिक का मान हमें निकालना है, 2 4 6 0 2 6 0 0 4। तो देखिए इसे हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से पहली पंक्ति से इसे खोलें हम तो 2 गुना 8 माइनस 0, ठीक है, -4 गुना यहाँ से 0 माइनस 0 और आगे 6 गुना 0 माइनस 0, तो यहाँ से दोस्तों कितना बन गया ये, 16 माइनस 0 प्लस 0, तो यानी उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 16 आ गया उत्तर। तो यहाँ से कौन सा विकल्प ठीक हो गया, विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।